हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। हम लोग बात कर रहे हैं सिसिलियन डिफेंस की। सिसिलियन डिफेंस में आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिसिलियन ड्रैगन वेरिएशन। सिसिलियन ड्रैगन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन है ब्लैक की ओर से और बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। तो आज मैं बताऊँगा सिसिलियन ड्रैगन के बारे में, हम ब्लैक से कैसे खेल सकते हैं। e4 c5 करना है, यहाँ पे कुछ मूव्स नेटडॉर्फ वेरिएशन की तरफ इशारा करते हैं। स्टार्टिंग में नाइट f3 d6 d4 cd4 नाइट d4 नाइट f6 देन नाइट c3। दोस्तों ये एक नेटडॉर्फ वेरिएशन के मूव्स है स्टार्टिंग के, लेकिन यहाँ से जब ब्लैक g6 करता है तो सिसिलियन ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है। g6 के बाद व्हाइट बिशप c4 f7 पे अटैक। यहां पे सिंपल आपको बिशप g7 करना है, h3 और कैसल। मूव नंबर 7, यहां पे व्हाइट एक वेटिंग मूव करता है बिशप b3 का। यहां आपको रिप्लाई देना है नाइट c6 देन बिशप e3 बिशप d7 कैसल और यहां रुक c8। उसके बाद व्हाइट f4 करके ज्यादातर सिसिलियन में अटैक करता है। f4 अटैक हमारा जो ड्रैगन का स्ट्रक्चर है उसे ब्रेक करने के लिए है। तो f4 में यहां रिप्लाई देना है सिंपल a6। उसके बाद क्वीन f3, यहां आपको खेलना है b5 a3 नाइट a5। इसके स्ट्रॉन्ग बिशप पे हमें अटैक करना है और ये बिशप जब तक आपको मिलता है तो ले लेना है। अगर वो बिशप a2 करता है तो यहाँ नाइट c4 और उसके बाद नाइट सेक्रीफाइस और रूक टेक c3, बहुत सारे मूव्स आपके पास मिलने वाले हैं। तो ये था एक ड्रैगन का वेरिएशन, बिशप c4 वेरिएशन। दूसरा मैं बताता हूँ ड्रैगन में दूसरी किस तरह से वाइट खेल सकता है ड्रैगन्स के अगेंस्ट। e4 c5 एंड c3 d6 देन d4 c into d4 नाइट टेक्स d4 नाइट f6 नाइट c3 और g6। यहां पे एक और मूव है वाइट के पास बिशप g5 स्टार्टिंग। तो यहां कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बिशप g7 उसके बाद bb5 चेक। यहां आप सिंपल बिशप d7 खेल सकते हो, क्वीन e2 तो यहां a6 बिशप टेक्स d7 और यहां खास ध्यान रखिए नाइट b×d7 कीजिए, ना कि qxd7। उसके बाद व्हाइट यहां लॉन्ग कैसल करता है रुक c8। अगर व्हाइट f4 करता है तो यहां से आप रिस्क लेना चाहते हैं तो रुक टेक्स c3 बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन बहुत ही कैलकुलेटेड मूव है, एनालिसिस करके ही आपको सेक्रीफाइस देना है। तो ये स्ट्रक्चर ब्लैक के लिए काफी अच्छा है ब्लैक से सिसिलियन में। ड्रैगन में एक अर्ली f4 अटैक भी आता है, वो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि e4 c5 नाइट f3 d6 टेन d4 आफ्टर पॉन टेक्स पॉन नाइट टेक्स पॉन नाइट f6। यहाँ पे e4 पे अटैक है इसलिए ये बेस्ट ऑप्शन होता है और नाइट c3। कई लोग f3 करके भी खेलते हैं उसके भी वेरिएशन से, लेकिन अभी हम वो नहीं देख रहे हैं। तो अभी हम ड्रैगन के बारे में g6, उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि अर्ली अटैक f4। अर्ली अटैक में भी कुछ होता नहीं है, स्ट्रक्चर मूव ऑर्डर चेंज होके आपके वही पोजीशन में आ जाएगी। बिशप g7 खेल लो, उसके बाद व्हाइट e5 सेंटर पे अटैक। यहाँ एक बार आपको पॉन मार लेना है आफ्टर पॉन टेक्स पॉन एफ टेक्स e5 और यहाँ Nfd7 सिंपल डेवलपमेंट। e6
ये अर्ली अटैक e6 के सामने वापस से नाइट e5, आपको मारना नहीं है, ध्यान रखना पोन आफ्टर bb5 प्लस यहां नाइट e c6, ई वाला नाइट आपको लाना है, ना कि नाइट सी वाला। Ne c6, ई क्रॉस f7 चेक, किंग क्रॉस f7 या किंग f8 भी कर सकते हो, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंग f8 के बाद नाइट क्रॉस c6, नाइट टेक्स c6 करो, या फिर आपके ऊपर अटैक है तो पहले क्वीन टेक्स d1 चेक दे सकते हो। गेम को सिंप्लीफाई कर दो ताकि कोई परेशानी ना हो, उसके बाद नाइट क्रॉस c6, व्हाइट खेलेगा c3 और यहाँ पे बिशप e6 और ये पोन आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो ये स्ट्रक्चर है, मेरे हिसाब से f4 अटैक बहुत कम लोग करते हैं, अर्ली f4, लेकिन इसमें कोई ब्लैक को दिक्कत नहीं है। पॉन इक्वल है, एक पॉन मिल जाएगा जो आपने सेक्रीफाइस किया है और जल्दी से आपका डेवलप भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिशप f6 करके भी आप ब्लॉक करके किंग g7 वगैरह 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 बहुत सारे मूव्स है आपके पास। तो ड्रैगन में ये स्ट्रक्चर ही याद रखना है, ज़्यादा वेरिएशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर ये देखना है कि अगर वाइट e4 करता है तो नेस्डोर्फ वेरिएशन जिसको आता है उसे जल्दी ड्रैगन आ जाएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग के मूव्स नेस्डोर्फ के हैं। नेस्डोर्फ के बारे में हम डीप में बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे नाइट c3 और इतना स्ट्रक्चर आने के बाद g6 करके यहाँ आपको bg7 और कैसलिंग, ये कभी कभी कैसलिंग जल्दी करते कभी कभी लेट करते, लेकिन स्ट्रक्चर याद रखना जरूरी है। कोई भी ओपनिंग रेडी करने के लिए उसका स्ट्रक्चर अगर आपको याद रह गया तो आपको पूरी ओपनिंग गोखने की जरूरत नहीं है, एकदम याद रह जाएगी। स्ट्रक्चर के हिसाब से आप मूव बाय मूव करते जाओगे। मैंने कोले सिस्टम में आपको एक स्ट्रक्चर बताया था, वाइट से कोले सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है, बस उसका स्ट्रक्चर याद करो, बाकी सारे मूव अपने आप ही आपको आ जाएंगे कि नाइट इधर होता है, बिशप इधर होता है। जैसे ड्रैगन में बिशप g7 पे होना चाहिए, नाइट f6 पे होना चाहिए, तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रह गया। और पॉन d6 होना चाहिए ना कि e6, कई लोग e6 भी कर देते लेकिन ये फिर वीकनेस हो जाती है, जब e6 होता है g6 होता है तो वीक हो जाते हैं, सारे होल पड़ जाते हैं। तो ऐसे कभी नहीं खेलना है, गेम को स्ट्रांग रख के खेलना है दोस्तों। उसके बाद आपके पास ये एक्स्ट्रा अटैक भी होता है, तो ड्रैगन का बहुत बड़ा फायदा भी है, कभी भी आप सेक्रीफाइसल मूव कर सकते हो, नाइट उठा के कहीं भी आप पटक दिए, मतलब कोई पॉन मार लिया और उसके बाद में डिस्कवर्ड में आपको ये वाला हैंगिंग नाइट मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे मूव्स है सिसिलियन में। ड्रैगन के अलावा भी हम बहुत सारे ओपनिंग्स मैंने पहले भी दिखाई है आपको, मोरा गैम्बिट के सामने कैसे खेलना है, नॉर्मल जो क्लासिकल है वो भी सिसिलियन आपको सिखा दिया है। और जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए वेरिएशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय गुजरात।